नोएडा से इस समय की बड़ी खबर आ रही है। शहर में चौथी लहर की आशंका। निजी स्कूल में काफी संख्या में स्कूली बच्चे और अध्यापक आए कोरोना संक्रमण की चपेट में। अलग अलग क्लास के 13 बच्चे और 3 टीचर हुए कोरोना संक्रमित। कुल 16 लोग हुए कोरोना संक्रमित। एहतियातन स्कूल प्रबंधन ने किया स्कूल बंद। जिला स्वास्थ्य विभाग मामले की जाँच में जुटा है। ये पूरा मामला सेक्टर 40 स्थित खेतान पब्लिक स्कूल का बताया जा रहा है। आपको बता दें, इस समय की बड़ी खबर नोएडा से आ रही है। नोएडा शहर में चौथी लहर की आशंका जताई जा रही है। नोएडा के एक निजी स्कूल में काफी संख्या में स्कूली बच्चे और अध्यापक कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। अलग अलग क्लास के 13 बच्चे और 3 टीचर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कुल 16 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। एहतियातन तौर पर स्कूल प्रबंधन ने स्कूल को बंद कर दिया है। जिला स्वास्थ्य विभाग मामले की जाँच में जुटा है। ये पूरा मामला सेक्टर 40 स्थित खेतान पब्लिक स्कूल का बताया जा रहा है। सर, एक स्कूल में कुछ बच्चों के पॉजिटिव आने का मामला सामने आया है, क्या जानकारी है, किस तरह के प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं? हाँ जी, हमें जो है खेतान पब्लिक स्कूल जो सेक्टर 40 में है, उसका एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसके अंदर हमें जो है 13 बच्चे और 3 टीचर्स की सूचना प्राप्त हुई है कि कोविड पॉजिटिव है। लेकिन इसमें ये डिटेल पूरी नहीं है, ना इनका फ़ोन नंबर दिया हुआ है, ना कोई इनका एड्रेस दिया हुआ है, ना ये पता चला है कि ये कहाँ पे टेस्ट हुए हैं। तो अभी इसके लिए मराठी टीम को भी हमने भेजा था, लेकिन ये सूचना मिल नहीं पाई अभी पूरी तरह से, क्योंकि ने स्कूल को बंद कर दिया है। स्कूल को बंद करके इसको ऑफलाइन कर दिया, वो लेटर भी इसी संबंध में मिल लिया था। तो अभी बस केवल इतनी जानकारी है कि ये जो बच्चे हैं कक्षा 6, 9, 12 इस तरह के हैं, छोटे बच्चे नहीं दिखाई दे रहे इसमें, और बीच की क्लासिक हैं, कुछ ही क्लासिक के बच्चे हैं, और इसमें 7 बच्चों के बारे में थोड़ी सी डिटेल दी हुई है, जिसके अंदर जो है उन्होंने ये तो लिखा है कि उनको 3 को उन्होंने टीकाकरण लगा था 7 में से, और जो है 2-1 बच्चे बाहर से आए थे, लेकिन इनके पूरा स्टेटस नहीं दिया। तो जब तक हमारी टीम RRT पूरी डिटेल नहीं ले पाएगी, यानी कि कल तक हम इसके बारे में और ज़्यादा बताने की स्थिति में नहीं है। पर मैं जनता से ज़रूर अपील करूँगा कि हमारे लिए एक जो है संकेत है कि हमें लापरवाह नहीं होना है, सबको मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी बनानी है, वैक्सीनेशन कराना है, अपने हाथ को बार बार धोते रहना, यदि कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करना है, क्योंकि ये स्थिति और स्कूलों में या जहाँ भी भीड़ एकत्रित होगी वहाँ हो सकती है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से नितिन चौधरी की रिपोर्ट।